असलामुअलैकुम क्लास एट हमारा जैसे कि टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी का नक्शे और अशकाल। तो पिछली बार हमने डॉट का तरीका पढ़ा था नक्शा बनाने का, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, शेडिंग का तरीका यानी शेडिंग मेथड। तो ये दूसरा मेथड है बनाने का, मैप्स बनाने का। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों को पूरे पाकिस्तान के मैप या दुनिया के किसी भी मैप पर डिफरेंट कलर्स के साथ असाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि गंदम को हम रेड कलर से शो कराएंगे, जंगलात को हम ग्रीन कलर से शो कराएंगे, सहराई नबातात यानी कि जो सहरा में पाने वाले पौधे हैं उनको हम येलो कलर से शो कराएंगे। इस वक्त मेरे पास मार्कर्स नहीं थे, इसलिए मैंने ये डिफरेंट लाइन से, ये डिफरेंट किस्म की लाइन से इस मैप पर शो करवा दिया है। तो क्या होता है कि बाद अगर किसी मुल्क की आबादी या मुख्तलिफ अशिया की पैदावार को नक्शे पर जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रंग या एक ही रंग के मुख्तलिफ हल्के या गाढ़े शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके की वैसे तो ये बहुत हमें देखने में बड़ा सही लग रहा है कि हमें डिफरेंट कलर्स नजर आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके की हामी ये है कि इसमें हमें ये नहीं पता चल सकता कि अगर यहाँ पे वो चीज़ ज्यादा है और यहाँ पे कम है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलेगी क्योंकि हमने पूरे इलाके में ये चीज पाई जा रही है तो हमने एक तरह का शेड फिल कर दिया। तो हमें किसी शेड की मिकदार तकसीम के लिहाज से यकसा मालूम होती है, एक जैसी मालूम होती है। अमूमन वक्त और जगह के लिहाज से इस मिकदार में कमी बेशी होती रहती है। हो सकता है पिछले साल यहाँ पर ज्यादा गंदम प्रोड्यूस हुई हो, इस साल इतनी ना हुई हो, लेकिन हमें इसमें कमी बेशी, इसमें कहने के लैग एंड लॉस जो थे वो नहीं नजर आते। बाद का दरी पैदावार को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ रंगों में पहाड़ों, दरियाओं, झीलों वगैरह के गैर पैदावारी इलाकों को भी नजरअंदाज करना हमारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें पूरे इलाके को कलर शेड करना होता है। तो जैसे समझा के किस तरह हम करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। अभी जिन इलाकों में वो पाई जाती है, फर्स्ट करिए अगर यहाँ पे गंदम पाई जा रही है तो मैं इस बॉक्स में फुली रेड कलर फिल कर दूंगी, और अगर यहाँ पे ज्यादा जंगलात पाए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूंगी। ठीक है, समझा गई शेडिंग मेथड की। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तकसीमी नक्शों की हामियां। इसमें सिर्फ दो हामियां हैं जो आपकी बुक्स में दी गई हुई हैं। एक ये हामी है कि आबादी की तकसीम को जाहिर करने वाले नक्शे आमतौर पर मरदम शुमारी की बुनियाद पर ही तैयार किए जाते हैं, और मरदम शुमारी हर 10 साल बाद होती है। इस तरह क्या होता है कि कुछ इलाके में लोग आर्जी तौर पर रहने आए होते हैं किसी जॉब के सिलसिले में, स्टडीज के सिलसिले में, वो उस वक्त तो काउंटिंग हो जाते हैं, लेकिन बाद में वहाँ से मूव करके किसी और जगह पर चले जाते हैं। तो ऐसे हमें आबादी का तो, पूरी आबादी का तो पता चलता है, लेकिन आबादी की गुंजामियत क्योंकि फी मुरब्बा किलोमीटर पे या फी मुरब्बा मील के पे रंगों या शेड से जाहिर की जाती है, उसकी हमें मुकम्मल मालूम नहीं मिल पाती, और इस तरह हमारे मैप्स में चेंजेस या इनके फॉल्ट्स आ जाते हैं। और जो दूसरी इसमें कमी है, हामी है, वो ये है कि तकसीमी नक्शों की तैयारी से किसी इलाके की पैदावार आबादी की तकसीम का फौरी अंदाजा हो जाता है। अक्सर इन इस्तेमाल होने वाले अदादोशुमार में रद्दबदल होता रहता है। हर साल तैयार किए गए नक्शा जात को ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक तैयार करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की पैदावार है तो वह नेक्स्ट ईयर ज़्यादा या कम जरूर।